मेरे प्यारे संगीत एवं ध्यान प्रेमियों एवं शिष्यों, आप सबों को स्वामी शांति देव का हार्दिक प्रणाम। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक बहुत ही प्यारा राग। राग है भैरव। इसका थाट भी भैरव है, यह थाट जन्य राग है और इसका गायन समय प्रातः काल है। इसका वादी धैवत और संवादी ऋषभ है और इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है। तो आइए थोड़ा सा इसका गायन का परिचय मैं दे दूं कि यह किस तरह से गाया जाएगा। इस राग को हारमोनियम पर स्वर लिपि के साथ इसके आरोह अवरोह पकर आलाप अस्थाई अंतरा एवं तान सीखते हैं। प्यारे मित्रों, आइए अब हम सीखते हैं राग भैरव। ये भैरव थाट से ही है, यानी थाटजन्य राग है। इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इसमें आरोह अवरोह में सभी सातों स्वर लगते हैं, इसलिए जाति संपूर्ण है। और वादी स्वर इसका धैवत है, संवादी ऋषभ है। इसके गायन समय प्रातः काल है। इसमें रे और ध कोमल प्रयुक्त होते हैं। तो आइए पहले आरोह और अवरोह इसका देखते हैं कि कैसे है। आइए राग भैरव का पकर। आप पकर समझ ही रहे होंगे कि पकर किसे कहते हैं। एक स्वर का छोटा सा समूह होता है जिसको अगर हम बजाते हैं या गाते हैं तो उससे उस राग का परिचय मिलता है जो राग हम अब प्रस्तुत करने वाले हैं, उसी को पकर कहते हैं। तो आइए पकर इस प्रकार है। ग म ध ध प म प ग म रे स। एक बार फिर ग म ध प म प ग म रे स। और अब आइए
आलाप सीखते हैं। यहां मैं एक छोटा सा आलाप दे रहा हूं आपको, केवल यह जानने के लिए कि आलाप करते कैसे हैं। हम बड़े आलाप भी कर सकते हैं, लेकिन यहां मैं एक छोटा सा आलाप दे रहा हूं आपको, इसका राग भैरव का। देखिए ये कैसे है, पहले इसके स्वर को देख लें। सा रे रे सा धनी सा रे रे सा ग म रे सा। अब इसे हम आलाप कैसे करेंगे ये देखिए, इन्हीं स्वरों पर हम आलाप करेंगे। और वो कैसे करेंगे, आलाप आपने देख लिया। अब आइए हम इस राग की अस्थाई को देखते हैं कि यह किस तरह से गाया और बजाया जाएगा। तो सबसे पहले अस्थाई की बंदिश की प्रथम पंक्ति वो कैसे है ये देखिए। धन धन मूरते कृष्ण मुरारी, ये है इस राग की अस्थाई की पहली पंक्ति। और इसके स्वर किस तरह से लगेंगे ये अब मैं आपको सिखा रहा हूं। ध्यान से देखें कि स्वर कैसे लग रहे हैं। जैसे शुरू हो रहा है ये कहां से, नौमी मात्रा से। ये तीन ताल सोलह मात्रा पर है और नौमी मात्रा से शुरू हो रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, ये सोलह मात्रा यहां आकर पूर्णता है। तो ये स्वर कैसे लग रहे हैं इसको वो देखिए। मग मधा धा धन धन, एक बार फिर से देखिए इसको। मग मधा धा धन धन मूरत पामा पामा गामा मूरत पामा पामा गामा, ये चार चार मात्रा में मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि आपको आसान हो, आप ठीक से मात्राओं को भी पकड़ लें कि कितने मात्रा में कौन से स्वर गाए जा रहे हैं, किस तरह से गाए जा रहे हैं और शब्दों को कैसे उस पर पिरोए जा रहे हैं शब्द। तो इसको आप ठीक से ध्यान करें। इसके लिए मैं बिल्कुल ही सरल तरीके से आपको समझा रहा हूं और फिर मैं पूरे 16 मात्रा में आपको सिखाऊंगा। पहले देखिए, धन धन मग मधा धा पम पम मग मूरत, अब ये पूरे 8 मात्रा को देखें। धन 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 मूरत मग मधा धा पम पम मग म, ये हो गया कृष्ण मुरारी। अब ये देखिए कृष्ण मुरारी कैसे है। कृष्ण मुरारी रे रे ग म कृष्ण मुरारी रे रे सा रारी। अब ये 8 मात्रा में कृष्ण मुरारी। अब ये पूरे 16 मात्रा में आप देखें इसको फिर से।
धन धन मूरत कृष्ण मुरारी रे रे सा सा या रे सा। उतने ही देर में अगर उसको हम कह देते हैं तो मात्रा पूरा हो जाता है। तो ये आपने देख लिया पूरी पंक्ति, और पूरी पंक्ति को एक बार फिर देखें स्वर के साथ। मा ग मा धा धा पा मा पा मा ग मा रे रे ग मा रे रे सा धन धन मूरत कृष्ण मुरारी। ये आपने देख लिया, ये कंप्लीट हो गया। अब है सुलक्षण गिरधारी। सुलक्षण गिरधारी के लिए है सा सा धा धा नी नी सा सा सुलक्षण गिरे सा सा धा धा नी नी सा सा सुलक्षण गिरी। अब धारी छवि सुन, अब धारी छवि सुन वहां तक 16 मात्रा होता है। तो इसको देखिए आप, धारी रे रे सा धारी छवि सुंदर लागे। अब इसको देखिए छवि सुंदर लागे। नी सा ग मा पा पा धा धा छवि सुंदर लागे अति प्यारी। अति नी नी सा सा अति। अब प्यारी के लिए यहां एक तान है, ये तान इस तरह से है पा धा नी सा सारी सानी धानी धा पा मा ग मा। ये स्पष्ट हो गया, ये तान है और इसमें कहा जा रहा है प्यारी। प्यारी के लिए ये इतने सारे स्वर हैं। कैसे हैं वो देखिए प्यारी। प्यारी ये है, एक बार फिर पाधा नी सा सारे सानी धानी धा पा मा ग मा प्यारी। अब ये पूरी लाइन को एक बार फिर देखें, छवि सुंदर लागे अति प्यारी, छवि सुंदर लागे अति प्यारी। वहां से छवि सुंदर 8 मात्रा में धारी छवि सुंदर वही तक है, 8 मात्रा में यही तक है। जैसे रे रे ग म रे रे सा ये यहां तक है, छवि सुन यहां तक। अब दर लागे अति प्यारी, दर लागे अति प्यारी उसके लिए देखिए दर लागे अति प्यारी ये है। तो अगर पूरी पंक्ति को एक साथ हम कहते हैं तो कैसे कहेंगे ये देखिए। छवि सुंदर लागे अति प्यारी वहां से देखें, छवि सुंदर लागे अति प्यारी। और फिर धन धन मूरत, धन धन मूरत कृष्ण मुरारी धन धन मूरत कृष्ण मुरारी।
तो ये अस्थाई हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अंतरा। अब देखिए अंतरा कैसे गाएंगे। अंतरा के लिए है वंशी धर्मन मोहन सुहावे, वंशी धर्मन मोहन सुहावे। अब ये कैसे है सो देखिए, वंशी धर्मन मोहन सुहावे, ये मामा पापा दादा नीनी सा इस तरह से है ये स्वर। फिर से एक बार देख लें, बंसी धरे मन मोहन सुहावे। फिर एक बार स्वर देख लें, मामा पापा दादा नीनी सा नीनी सा सा। अब आगे देखें, बली बली जाऊं मैं मोरे मन भावे, ये तार सप्तक में स्वर लग रहे हैं इसके इस तरह से, रे रे गामा बली बली जाऊं मैं जाऊं मैं, ऐसा रे रे गामा रे रे सा सा बली बली जाऊं मैं। इसके बाद है मोरे मन भावे, धानी सारे सानी दापा मोरे मन भावे। अब इसके बाद सवरंग ज्ञान विचारी, इस तरह से है ये। तो ये सवरंग ज्ञान विचारी, इसके लिए कौन से स्वर हैं सो देखिए, ग म ग म प प ध प। अब फिर है वही प ध नि सा सा रे सा नि ध नि ध प म ग म, वही तान। फिर से चारी के लिए है चारी, चारी के लिए है। जैसे स्थाई में प्यारी के लिए था, उसी प्रकार यहाँ चारी के लिए ये तान है, और इस तान के अंतर्गत उसे आठ मात्रा में कहा जा रहा है चारी बिचारी। जैसे सब रंग, सब रंग देखिए, सब रंग ज्ञान बिचारी, इस तरह से ये कहा जाएगा। और फिर से हम अस्थाई के पहली पंक्ति को दोहराएंगे, धन धन मोरत कृष्ण मोरारी, धन धन मोरत कृष्ण मोरारी। ये अंतरा भी पूरा हो गया। मैं समझता हूँ आप भली भांति इसको अब हारमोनियम पर बजा सकते हैं और गा सकते हैं। तो आइए अब हम राग भैरव का कुछ तान देते हैं। तीन तान मैं आपको अभी दे रहा हूँ अभ्यास के लिए। ऐसे चाहें जब आपकी वैसी तैयारी हो जाएगी, तान आप गा सकते हैं, आलाप ले सकते हैं, तो आप चाहे जितना भी तान तैयार कर सकते हैं, वो आपके अभ्यास पर निर्भर करता है। लेकिन अभी मैं तान कैसे गाएंगे, इसकी टेक्निक और आलाप कैसे करेंगे, इसका अभ्यास मैं अभी आपको सिखा रहा हूं। ये आठ मात्रा की ताने हैं। आठ मात्रा में हम बंदिश के पंक्ति को बोलते हैं, जैसे धन धन मूरत। अब इसको देखिए ये कैसे है, धन धन मूरत, ये आठ मात्रा हो गया।
अब हम आठ मात्रा में इसमें तान पिरोएंगे, वो कैसे पिरोएंगे वो देखिए। नि स ग म प ध नि स सा नि ध प म ग रे सा, ये तान है, ये है तान। अब इसको अगर दोनों को साथ करके हमको गाना है, वो कैसे हम गाते हैं तान, तो पहले उस पंक्ति को बोलिए जो बंदिश की पहली पंक्ति है। धन धन मूरत नि स ग म प ध नि स सा नि ध प म ग रे सा, ये हो गया। इसके बाद इसी पर हम आलाप करते हैं, वो आलाप कैसे करेंगे। धन धन मूरत आ तो ये पहली तान पूरी हो गई। अब हम दूसरी तान की ओर बढ़ रहे हैं। अब दूसरी तान क्या है वो देखिए। दूसरी तान है सारे गा मा पा मा गा मा धा पा मा पा मा गा रे सा, ये है दूसरी तान है। धन धन मूरत सारे गा मा पा मा गा मा धा पा मा पा मा गा रे सा, ये है। अब इसको हम आलाप कैसे करेंगे, दूसरी तान को देखें। धन धन मूरत आ ये हो गया। अब तीसरा तान देखें वो कैसे है। धन धन मूरत गामा पा धा पा मा गामा पा मा गामा गरे सा, धन धन मूरत गामा पा धा पा मा गामा पा मा गामा गरे सा। इसको आलाप कैसे करेंगे ये देखिए, तीसरे तान को। धन धन मूरत आ, अब इसके बाद फिर अस्थाई गाने के बाद तिहाई लेके तब हम राग को खत्म करते हैं, वो कैसे ये देखिए। धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, धन धन मूरत कृष्ण मुरारी सुलचन गिरे धारी छवि सुंदर लागे अति प्यारी, धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, धन धन मूरत धन धन मूरत धन धन मूरत कृष्ण मुरारी। इस तरह ये राग भैरव पूरा होता है, और मैं समझता हूं आप राग भैरव को भली भांति सीख गए होंगे, उसके आरोह अवरोह पकर आलाप स्थाई अंतरा एवं तानों के स्वरों को आप भली भांति चेक कर लिए होंगे और समझ लिए होंगे। यदि अभी भी कोई दिक्कत है तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट करके अपनी समस्या बता सकते हैं, कहां दिक्कत है आपको, और मैं यथासंभव आपकी समस्या का समाधान करूंगा।
तो आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ एक से एक राग, भजन, गजल, फिल्म सॉन्ग के ट्यूटोरियल आपको सीखने के लिए मिलेंगे। तो आप सीखते रहें और हमें कमेंट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।